अब की बार लोकसभा चुनाव में किस ओर वोट करना चाहेंगे? किस भाजपा को देखना चाहते हैं, कांग्रेस को देखना चाहते हैं या किसी और पार्टी? ना तो भाई इस पर तो न्यू विचार करा जो कांग्रेस को आज जैसे मैं नवा चेहरा दिखना चाहूँ। कई साल 10 साल में तो मार्च भी डॉक्टर देंट नाटक लाग जैसे पशु से भी जीव चलते है। इस करके दोनों दिमाग के में कांग्रेस को में सुधार कर ले। मोदी को तो जो उठाए गए पुराने बजाए जाएंगे, कोई भी आ जो कांग्रेस की वोट देंगे कोई कैंडिडेट आ जो। लेकिन भाजपा तो 400 पार का नारा दे रही है। अरे वो तो 4000 भी बोल रहे हैं, असल तो 95 पे छोड़ा। आप कौन सी पार्टी की ओर जाना पसंद करेंगे? कांग्रेस से लड़ रही है। कांग्रेस से? कांग्रेस से वोट देंगे। कांग्रेस ने अभी तक कैंडिडेट डिक्लेयर नहीं किया है, तो ऐसे में कोई भी कैंडिडेट आ जाए वोट कांग्रेस को? कोई भी कैंडिडेट आ जाए उसे वोट देंगे। तो ऐसे में किस ओर जाना पसंद करेंगे? कांग्रेस के ध्यान जी। कांग्रेस के? हाँ, बीज लाती नहीं, कैंप पर चीज मिलती नहीं। मोदी सरकार तो अब की बार 400 पार का नारा दे रही है, तो ऐसे में ना कोई नहीं न्यूट्रल झूठ बोल ले रहा इलेक्शन में उठने वाला। बीमा कटा हमारा बीमा बढ़ा, फसल का बीमा बढ़ा हमारा बीमा ने सरकार कदे नहीं नहीं आज ले मारे 10 पीछे नहीं आए बीमा कदे आज लग कटे ही ओड़े खा कुछ बीमा ने सरकार वाला बतला जी। इतने बड़े बड़े कैप्सूल 14 महीने बैठे रहे हम, क्या दिया? जज्बा भी अपने कैंडिडेट उतार चुकी है, तो ऐसे में पहले तो जज्बा को पूर्ण बहुमत दे दिया था कह सकते हैं किस्म से, क्योंकि उचाना ने बहुत अच्छे वोटों से जिताया था। अब की बार नहीं। लोकसभा चुनाव को लेकर विगुल बच चुका है और हमारे खास एपिसोड आता है क्या चाहता है हरियाणा हमारे खास कार्यक्रम में के तहत आज हम पहुंचे हैं गांव खरगपुरा में। तो तमाम जानकारी यहां बुजुर्ग हैं कुछ और उनसे लेने की कोशिश करेंगे, आखिर क्या चाहते हैं, इलेक्शन का दौर है और ऐसे में लोकसभा चुनाव में किसकी ओर उनका रुख है, तो तमाम जानकारी लेने की कोशिश करेंगे। यहां पर बुजुर्ग बैठे उनसे बातचीत करेंगे। ताऊ जी राम राम। राम राम भाई। अब की बार लोकसभा चुनाव में किस ओर वोट करना चाहेंगे? किस भाजपा को देखना चाहते हैं, कांग्रेस को देखना चाहते हैं या किसी और पार्टी? बात सुनो जी, वोट करा रख देनी एक गेड़ांगे जी, और फिर मेरी बात सुन मार लगी बिल्कुल कोई सूचना ही कौन आ रही, कौन उठ गया कौन बैठ गया कौन आ गया, इसलिए हमने पूरी सूचना ही कौन मिली गेड़ा जी गेड़ा किसके जी। अभी भाजपा की तरफ से रणजीत सिंह चौटाला हैं, जजपा की तरफ से नैना चौटाला हैं और इनेलो की तरफ से सुनैना चौटाला हैं और कांग्रेस की लिस्ट अभी तक जारी नहीं हुई। जयप्रकाश का भी नाम आ रहा है और वहीं सांसद बृजेंद्र सिंह का भी, जो बीरेंद्र सिंह के बेटे हैं, उनका भी नाम सामने आ रहा है। तो ये कैंडिडेट्स हो सकते हैं कांग्रेस के, लेकिन जो सूची जारी की गई है वो सिर्फ भाजपा की, इनेलो की और जजपा की। तो ऐसे में किस और देखना चाहिए? मामला तो भाई इस पर तो न्यू विचार करा जो कांग्रेस में नवा चेहरा दिखना चाहूँ। कई साल 10 साल में तो मार्च भी डॉक्टर देंट नाटक लाग जैसे पशु से भी जीव चलते है। इस करके दोनों दिमाग के में कांग्रेस को में सुधार कर ले। क्या कारण है भाजपा को लोग पसंद नहीं कर रहे हैं, कांग्रेस की ओर जाना चाह रहे हैं, क्या कारण है? इस बात पसंद तो देखना में तो बहुत बढ़िया है जी, वहीं और कि मैं मारा तो कोई तकलीफ लोकल आम आदमी इतना तो कोई तकलीफ नहीं, जो कर्मचारी सारा तंग हो रहा है जी, वो मेरा हमने मेरा को निकाल किसान भी तंग कर दी है जी, किसान भी तंग कर रखे हैं। तो ऐसे में जैसे आपने बताया कि किसान भी तंग है, तो कौन तो आपकी कौन सी पार्टी को आप कौन सी पार्टी को जाना पसंद करेंगे? आप कौन सी पार्टी की ओर जाना पसंद करेंगे? कांग्रेस से लड़ रही है। कांग्रेस से? कांग्रेस से वोट देंगे। कांग्रेस ने अभी तक कैंडिडेट डिक्लेयर नहीं किया है, तो ऐसे में कोई भी कैंडिडेट आ जाए वोट कांग्रेस को? कोई भी कैंडिडेट आ जाए उसे वोट देंगे कांग्रेस से, कांग्रेस पार्टी को वोट करेंगे। हाँ। आप किस ओर जाना चाहेंगे? मैं तो कांग्रेस में जाऊँ, कांग्रेस पार्टी। ऐसी क्या नाराजगी है सभी कांग्रेस बीजेपी का कोई भी नाम नहीं ले रखा? हमने तो कुछ भी नहीं लिया, खेती बाड़ी के बारे में नया बीज आया अभी और ये मंगाई चल रही है, बाड़ी बिना बैठे हैं 10 साल तो ये बीज ही नहीं काट दी सरकार, बीजेपी का कोई फायदा नहीं है। क्या कहना चाहेंगे ताऊ जी, किस इलेक्शन नजदीक है, लोकसभा चुनाव नजदीक है, तो ऐसे में किस ओर जाना पसंद करेंगे? कांग्रेस के ध्यान जी। कांग्रेस के? हाँ, बीज लाती नहीं, कैंप पर चीज मिलती नहीं ना, मारे वो बाहर खोल ली होती। मोदी सरकार तो अब की बार 400 पार का नारा दे रही है, तो ऐसे में ना कोई नहीं न्यूट्रल झूठ बोल ले रहा इलेक्शन में उठने वाला। और भी बुजुर्ग हमारे साथ है, तमाम जानकारी उनसे भी। बीमा कटा हमारा बीमा बढ़ा, फसल का बीमा बढ़ा हमारा बीमा ने सरकार कदे नहीं आज ले मारे 10 पीछे नहीं आए बीमा कदे आज लग
कट्टे भी ओड़े खा कुछ बीमा ने सरकार को बतला जे कदे आज लगे एक रुपया नहीं हमारा बीमा का बीमा और बीमा कट हमारा छठा भी नहीं। कितना बीमा कटता आप लोगों का? चार किलो का 1700-1800 रुपये कटे हैं एक किले के। एक किले 1800-1800 रुपये किलो छाप कटा है बीमा और 10 रुपये न्याय का ब्याज लग सरकारों को बता बता बुतरे को ओडे कर ले करोड़ों रुपये हुआ खाते सरकार किसान ने कुछ नहीं मिल रहा ओड़े प्रेस और बुजुर्ग भी हमारे साथ तमाम उनसे भी जानकारी लेने की कोशिश करेंगे तो तमाम जानकारी उनसे भी लेंगे। आखिर किस ओर जाना चाहते हैं लोकसभा चुनाव में देखिए बताएं किस और अब की बार किस और पार्टी को और आप पसंद करते हैं जाना किस कांग्रेस क्या खास वजह है कि कांग्रेस की तरफ जाना पसंद कर रहे हैं? यू तो निरा झूठ बोल रहा है और नतीश भाषण में कह रहा था वो तो कह 400 पर वो कह 4000 सीट है एमपी की नतीश कह 4000 पर जाओगे मोदी 400 कह रहा है ये झूठी हो आप कहते झूठी है इतने बड़े बड़े कैप्सूल 14 महीने बैठे रहे हम क्या दिया आंदोलन में 14 महीने दिल्ली बॉर्डर पर बैठे रहे क्या दिया 700-750 किसान वहाँ शहीद हुए किसी ने संभाले पेपर लीक होते हैं बच्चा गुजर गया है 140 करोड़ बोले अब मेरा ही परिवार एक बच्चा गुजर गया उसके टाइम खत्म हो गया डिग्री का आग लगा दिया आत्महत्या कर जाए वो उसका परिवार का सदस्य नहीं है एक आम मारा को गुमराह कर रहा है सारा मेरा परिवार कहाँ है परिवार कहाँ है परिवार इसका? तो अब की बार जनता वोट की चोट मार सकती है? हम तो मारेंगे हम तो कांग्रेस को देंगे कैंडिडेट कोई भी आए। देखिए तमाम जो यहाँ पर बुजुर्ग हैं कांग्रेस की ओर बात करेंगी कांग्रेस की ओर वो वोट करेंगे चाहे कैंडिडेट कोई भी हो अभी तक जो कांग्रेस पार्टी की है लिस्ट जारी नहीं हुई है लेकिन ऐसे में लोगों का जो रुझान है यहाँ का कांग्रेस पार्टी की तरफ आ रहा है और भी हमारे साथ बुजुर्ग है तमाम जानकारी उनसे भी लेने की कोशिश करेंगे। अब की बार लोकसभा चुनाव में किस ओर जाना पसंद करेंगे? कांग्रेस के पसंद करेंगे कांग्रेस में क्या मुख्य वजह है कि आप कांग्रेस की तरफ जाना चाहते हैं? मुख्य वजह तो यह है कि तो तंग बनाए ये समाज सारी चीज में सारा दिन आत्मकागत रहे हैं बताऊँ बात है कांग्रेस में कोई कागज नहीं करता लेकिन भाजपा सरकार तो कहती पोर्टल से हर इंसान को सुविधाएं मिली आप कुछ नहीं मामले तो दे ही नहीं कीर्ति सुविधा क्या है चीज की दे रखी हो बता नहीं वो शाम तो पहली मतलब सुखी थे दुखी हो रही है सारा दिन कागज हाथ में रहे ऐसे में कांग्रेस ने अभी तक लिस्ट जारी नहीं की है तो कांग्रेस पार्टी की लिस्ट अभी तक नहीं जारी कैंडिडेट अगर कोई भी आ जाए फिर कोई भी आ जो चाहे हमें तो कांग्रेस ने ध्यान दे जजपा भी इस बार अपने कैंडिडेट उतार रही है जेजेपी ने भी अपने कैंडिडेट उतार सारे उतार दो हमें तो कांग्रेस ने ध्यान बता दिया और भी बुजुर्ग हमारे साथ तमाम उनसे भी बात करने की कोशिश करेंगे और भी बुजुर्ग हैं हमारे साथ उनसे भी पूछेंगे अब की बार किसकी और कांग्रेस की ओर अब जजपा भी अपने कैंडिडेट उतार चुकी है तो ऐसे में पहले तो जजपा को पूर्ण बहुमत दे दिया था कह सकते हैं किसम से क्योंकि उचाना ने बहुत अच्छे वोटों से जिताया था अब की बार नहीं क्या मुख्य वजह क्या है क्यों नहीं सारे तंग रखे लोग तंग रखे और भी हमारे साथ बुजुर्ग मौजूद हैं उनसे भी तमाम जानकारी लेने की कोशिश करेंगे और बुजुर्ग भी यहां पर हैं उनसे भी बातचीत करेंगे क्या किस और जाना चाहेंगे अब की बार क्योंकि जो लोकसभा चुनाव है वो बहुत ज्यादा नजदीक है और ऐसे में किस और जाएंगे कांग्रेस या भाजपा या किसी और पार्टी की तरफ जाना चाहेंगे? नहीं हमें वोट तो देवांगे कांग्रेस के बीजेपी ने ये निर्यात की है एक 13 बिन्ने दल ना रहा बुका के ठा दिए एमएससी की मीटिंग करे हैं वो पहले नहीं बनाई किसान को देनी चाहिए थी हक मांगे थे बाकी भी मांगा हाँ अरे बोला नौकरी नहीं नौकरी करे नौकरी प्राइवेट कर दिया सारा होता
मोदी को तो झोला उठा के पुराने बजाए जाएंगे, कोई भी आ जो चाहे कांग्रेस के वोट जाएंगे, कोई कैंडिडेट आ जो। लेकिन भाजपा तो 400 पार का नारा दे रही है। अरे वो तो 4000 भी बोल रहे हैं, असल तो 95 पे छोड़ा नहीं, 115 सीट आऊंगी बीजेपी की, तान मार लो तो 115 कुल। और कांग्रेस पार्टी कितनी आएगी? कांग्रेस पार्टी की तो देख लो भी, फिर अब जोर ला लो, पटे आदमी हम है, पटे नहीं जे कटे तो हम है। मारा तो दल भी न्यू लठ रहे था कंधे के, मारा जमा लहू चला रखे हैं, और ये बच्चे बीए तारा भर के बीए में पढ़े हुए छोरे फेरे न्यू बोला उसकी फौज की बोला 4 साल की कर दी, के करेंगे वे देश की सुरक्षा करे हैं, बॉर्डर पे खड़े हुए हैं देश के लिए मरने के लिए घर छोड़ के, और उनकी बोला 4 साल की कर दी। चौधरी बीरेंद्र सिंह ने भी अभी कांग्रेस का हाथ थाम लिया है कुछ समय पहले, तो ऐसे में क्या कांग्रेस पार्टी कोई मजबूती मिली? कांग्रेस पार्टी के तो सारे जाएंगे, कोई कैंडिडेट आ जो मिली है जी, मिली है मजबूती तो नुबदा कांग्रेस में आ गया, सारे वोट कांग्रेस के देवांगे में, मजबूती मिलेगी क्यों नहीं? पार्टी को उस नेता के आने से कुछ वोट बैंक का फायदा हुआ? जैसे वीरेंद्र सिंह कांग्रेस में आए तो वीरेंद्र का जो निजी वोट है उसका कोई फायदा कांग्रेस पार्टी को? जमा पूरा इतना पूरा है सेंटर में है वो ओड़े तो लेके, ये न्यू नहीं देखता, सारे हरियाणा का देखा है वीरेंद्र सिंह, तो पूरी मजबूती मिली है, जमा पूरा जमा न्यू ललकारा दे के वोट देंगे। जेजेपी भी चर्चाओं में है और वो भी लोकसभा चुनाव लड़ रही है, तो उनको कितना क्या कुछ वोट मिलेगा उचाना की तरफ से क्या? वह तो एक मरे है न्यू साहब, 3 वोट कटो हमने, उनका कोई ठेका नहीं, वोट नहीं देवांगे उनको, जो से उसका वोट देवे थे नहीं, सुन रहे सुनो, जो से उसके वोट देवे थे नहीं वो आदमी रुक रहा है, जो शायद उसके वोट देव था वो भी नहीं देगा, कांग्रेस का वोट देवांगे सभी। हमारे साथ बुजुर्ग थे और तमाम जानकारी उन्होंने हमें दी, उन्होंने तमाम यहाँ पे क्लियर कर दिया कि इस बार जो कांग्रेस पार्टी की ओर वो रुख कर रहे हैं और कांग्रेस पार्टी को मत करेंगे और इस बार लोकसभा चुनाव में कांग्रेस पार्टी को जिताएंगे। इन्होंने दावा भी पेश किया कि अब की बार भाजपा सिर्फ और सिर्फ 115 सीटों पर सिमट कर रह जाएगी, तमाम बुजुर्गों का यहाँ पर दावा था और कांग्रेस पार्टी की ओर जाने की प्रयासरत है। वीडियो जर्नलिस्ट हरदीप के साथ प्रदीप सेवकन, पंजाब केसरी टीवी। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं। अगर आप ये वीडियो Facebook पर देख रहे हैं तो लाइक जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। धन्यवाद।